हम लोग 35 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को ठेला खोमचा रेड़ी पटरी व्यवसायी पल्लेदार और रिक्शा ई रिक्शा चालकों को इनके संचालकों को 1,000 रुपये का भत्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था तात्कालिक रूप से करने जा रहे हैं। उनके अकाउंट में सीधे पैसा दिया जाएगा और इसलिए मैं अपील करूंगा कि जहां भी प्रतिदिन कमाने वाले जो भी कर्मी हैं, अगर इस दौरान बंदी के दौरान उनकी छुट्टी होती है तो उस छुट्टी को उनके कार्य दिवस के रूप में गिना जाना चाहिए और उस दौरान उनको निश्चित जो मानदेय है वह उन्हें मिलते रहना चाहिए। ये व्यवस्था हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। हम लोगों के द्वारा जो सावधानी इस दौरान बरती जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी है कि कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार कल्याण आयोग का गठन किया जाएगा। श्रमिकों के हुनर और दक्षता मेहनत के आधार पर स्किल मैपिंग की सूची तैयार कर श्रमिक भाई बहनों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ कामगारों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ और जॉब सिक्योरिटी प्रदेश में ही सुनिश्चित की जा सके, जिसे इन्हें मजबूर होकर अपने घर परिवार से दूर नौकरी की तलाश में पलायन न करना पड़े। साथ ही साथ कामगारों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ और जॉब सिक्योरिटी प्रदेश में ही सुनिश्चित की जा सके, जिसे इन्हें मजबूर होकर अपने घर परिवार से दूर नौकरी की तलाश में पलायन न करना पड़े। अब 23 लाख श्रमिक भाइयों और बहनों और उनके परिजनों को अब तक घर लाया गया है। सभी स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उपयुक्त रूप से क्वारंटीन करने, खाद्यान्न किट देने और राशन कार्ड बनवाने और उसके साथ 1,000 भरण पोषण भत्ता दिए जाने का आधिकारिक रूप से निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई घरेलू विमान सेवाएं 2 महीने के बाद सोमवार से फिर हुई शुरू। पहले दिन उड़ी 532 उड़ाने। हवाई अड्डों और विमानों में दिशा निर्देशों का पूरी तरह से हो रहा है पालन। पश्चिम बंगाल में 28 मई से तो आंध्र प्रदेश में भी आज से फिर से शुरू होगा घरेलू विमान सेवाओं का परिचालन। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें जारी। रेल मंत्रालय ने अब तक श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से 40 लाख से अधिक लोगों को पहुंचाया घर। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी और दिल्ली से चली हैं सबसे ज्यादा ट्रेनें। रेल मंत्री ने राज्यों से की सहयोग की अपील। कोरोना मसले पर पीएम की दुनिया के नेताओं से वार्ता का क्रम जारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से की फोन पर बात। ईद की बधाई देने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग पर चर्चा। यूएई में भारतीय नागरिकों के सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। और भारत में कोविड-19 के 57,720 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 41.57%। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 77,103। 4,021 लोगों की हुई मौत। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,71,000 के पार। मरने वालों की संख्या पहुंची 3.5 लाख के करीब। अमेरिका के बाद ब्राजील और रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा। WHO ने सुरक्षा चिंताओं के चलते रोका कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का परीक्षण। दुनिया भर में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में मौत का आंकड़ा पहुंचा 98,000 के पार। वहीं ब्रिटेन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए की 15 जून से गैर आवश्यक खुदरा दुकानों को फिर से खोलने की घोषणा। तो स्पेन में अब 1 जुलाई से विदेशी आगंतुकों की को नहीं गुजरना होगा 2 सप्ताह के क्वारंटीन से। और देश के पश्चिम और उत्तर के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में 28 मई तक लू चलने की जारी की चेतावनी। आज गर्मी का कहर के पीक पर रहने का अनुमान।